आइए चलते हैं, ये है पब्लिक सब जानती है के सेट पर, और जानते हैं हमारे सहयोगी विजय विश्वकर्मा आज क्या खास लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। 10 सदस्यों से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में 20 करोड़ से अधिक सदस्यों को जोड़कर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। यह पार्टी दुनिया भर में सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी का कीर्तिमान बनाया है। इस पार्टी में अब तक 19 राज्यों में विजय हासिल की है और यहां पर इनके मुख्यमंत्री हैं। साथ ही देश में सबसे अधिक सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रीवा में थे और इन्होंने यहां पर एक सम्मेलन किया, जिस सम्मेलन में रीवा और शहडोल के कार्यकर्ता शामिल हुए। इसको करीब से हम लोगों ने देखा, आइए जानते हैं इसमें क्या रहा खास। आज के इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं न्यूज एडिटर जावेद अंसारी जी, साथ ही करंट अफेयर एडिटर अनिल त्रिपाठी जी। आज बात आगे बढ़ाएं इसके पहले जानते हैं अमित शाह के इस दौरे में क्या रहा कुछ खास। जावेद जी, आपने उसको करीब से देखा, क्या रहा वहां पर खास देखने को? देखिए, मैं आपको बता दूं, अमित शाह जी का दौरा राहुल गांधी के दौरे के बाद जी, इनका दौरा दो बार कैंसिल भी हुआ था, ये इस बार आए। रीवा के और शहडोल के दो जिलों के कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन था जी। यहाँ पर अमित शाह इस बार नारा लेके आए थे, अब की बार 205 जी, बूथ जीतो उस क्षेत्र में विधायक बनाओ जी, मूल मंत्र था जी। अमित शाह जी के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो जहाँ जहाँ जिस तरीके से दौरे करते हैं कार्यकर्ताओं को, वो उत्साहित कर देते हैं कार्यकर्ताओं को, वो एक मिशन की तरह एक काम में लगा देते हैं, जिसका नतीजा आपने गुजरात में देखा ही जी। बिल्कुल, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, इसके पहले जान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि। 1950 में जनसंघ से यह शुरू हुई पार्टी वर्तमान में सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी बन गई है। अनिल जी, क्या किस तरह से इस पार्टी ने अपना सर्वाइव किया और आज की एक कीर्तिमान बनाया है? जी विजय जी, मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद जी जनसंघ काफी उभर कर सामने आया था जी, खासतौर से विंध्य क्षेत्र में भी जनसंघ का एक अपना अलग अस्तित्व रहा जी, अच्छा अस्तित्व बनाया और यहाँ के कैडर बेस्ड नेताओं ने जनसंघ को काफी आगे बढ़ाया था। 1977 में जनसंघ का विलय जनता पार्टी के रूप में हुआ और सारे नेता जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी के बाद सारे नेता एक होकर जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन ये एकता इन लोगों की चल नहीं पाई, मतभेद हुए और 1980 में पार्टी टूट गई। तब अटल जी और आडवाणी जी ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम दिया भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की जब उस समय आम चुनाव हुए 1980 में, तो केवल 2 सीटें आई थी, अटल जी खुद चुनाव हार गए थे, वो चुनाव आपको मैं बता दूं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पार्टी का जो अनुशासन था, अनुशासन की वजह से और पार्टी का जो कैडर बेस कार्यकर्ता है उसकी वजह से आज पार्टी पूरे देश में और विश्व की नंबर एक की पार्टी बन चुकी है और 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य उनके बन चुके हैं, ऐसा उनका दावा है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है ये वाकई में ऐसा माना जा सकता है? बिल्कुल, 19 राज्यों में उनकी सरकार है जी। विधायकों की अगर बात की जाए तो इस समय देश में सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा सांसद भी उनकी पार्टी के हैं, तो निश्चित रूप से अगर वो ये कहते हैं 20 करोड़ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, जिस पार्टी की पहले कभी जमानत जब्त हुआ करती थी और आखिरी पायदान में हुआ करती थी, आज उस भारतीय जनता पार्टी के देश भर में 1800 से अधिक विधायक हैं और ऐसे में पार्टी समझा जा सकता है कि कितनी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। वर्तमान में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, उससे क्या लगता है कि विंध्य क्षेत्र में कितना असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि विंध्य में राहुल गांधी ने एक माहौल बना दिया था, कांग्रेस का माहौल बना दिया था, कांग्रेस के सारे नेता एका की बात करने लगे थे,
और लगने लगा था कि वहां पर विंध्य में कांग्रेस एक बार फिर जिंदा, क्योंकि कांग्रेस यहां पर पहले भी बहुत कमजोर नहीं थी। देखिए 30 में 12 विधायक कांग्रेस के, 17 विधायक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के। अमित शाह इस बार 200 पार का नारा लेके आए हैं। उनको ये लगता है कि विंध्य में उनको वो यहाँ की विंध्य की नब्ज टटोलने आए थे। राजनैतिक रूप से यहाँ का परिदृश्य उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के माकूल हो सकता है, शायद उसी के चलते उन्होंने यहाँ कार्यकर्ताओं को बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने खजुराहो, सतना, रीवा में सभाएं की और फिर वो डिंडोरी के लिए गए, निश्चित तौर पर उनको लग रहा कि विंध्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। नहीं, पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा, अमित शाह के मतलब इस कार्यक्रम में नगर केंद्र और ग्राम केंद्र और पालक संयोजक और जो मंडल अध्यक्ष थे वो सभी लोग आए हुए थे। अमित शाह ने अपने भाषण की पहली लाइन में क्या बोला, आपने भी देखा, हमने भी देखा सुना, उन्होंने पहला शब्द ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी के मालिक जी। तो मतलब कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का मालिक है, तो कार्यकर्ता आज काफी अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहा था, उसका मनोबल काफी ऊंचा बढ़ गया। अभी कुछ स्थितियां बीच में बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो थोड़ा सा हतोत्साहित से थे, लेकिन आज उन्होंने ऊर्जा तो भर दी, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। और जैसे ही मतलब एक कार्यकर्ता ही कर ये अपने आप को माने कि मैं पार्टी का मालिक हूँ, तो निश्चित तौर पे उसमें ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी। और जो अमित शाह जी ने बोला कि हमें बूथ केंद्र में और जितने मतदान केंद्र हैं उन कार्यकर्ताओं को गंभीरता से उनको जो है देखना होगा, तो आज से जरूर लग जाएंगे जी। तो बिल्कुल, आज अमित शाह ने यहाँ पर जो मंत्र दिया कार्यकर्ताओं को, मंत्र दिया कि चुनाव में किस तरह से उनको काम करना है, इसके अलावा एक जान फूंकने का काम किया उन्होंने। साथ ही यहाँ पर एक बड़ा दावा भी किया कि 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा पाएगा और बूथ हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है या फिर घमंड, क्या लगता है? देखिए, मैं अमित शाह जी की इस बात से सापेक्षता के दृष्टिकोण में उनसे मतदान नहीं रखता। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि आज अमित शाह ने बोला कि कांग्रेस को मूल से खत्म करना है जी। तो विंध्य के बारे में जहां तक मेरा अनुमान है, कांग्रेस मूल से अभी तो फिलहाल नहीं खत्म हो सकती, पहली चीज। दूसरी बात यह भी है कि जो कांग्रेस की स्थितियां हैं, राहुल ने अभी यहां दौरा किया था तो उसके बाद कांग्रेस में जो एकता दिखाई दे रही है विजय जी, तो कांग्रेस में एकता आई है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उतने ही जोर शोर से लग चुके हैं। तो अभी अमित शाह जी तो रणनीतिकार हैं, उत्तर प्रदेश में देखिए 72 सीटें इकट्ठा ला लिए थे, वो किसी को अनुमान नहीं था। मध्य प्रदेश में पिछली बार ऐसा लगा था कि सरकार नहीं बनेगी, लेकिन अमित शाह तब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे तो भी उन्होंने लगातार प्रचार प्रसार किया। बिल्कुल अनिल जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए 200 पार का जो नारा है वो 200 पार नहीं, 230 में से 115 चाहिए। उनका पहला प्रयास ये है कि केंद्र विधानसभा में उनका मुख्यमंत्री बरकरार रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरकरार है। वो तो जोश में, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उनका ये नारा था, जैसे अभी आपने कहा कार्यकर्ता को पार्टी का मालिक बना दिया। जावेद जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर अभी निकल कर सामने आ रही है, हमें एक बड़ी खबर मिल रही है कि यहाँ अमित शाह ने रीवा में कुछ प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर दिए हैं और ये एक बड़ी खबर के साथ हम दर्शकों के साथ बैठे हुए हैं। हम बताना चाहते हैं कि दर्शक भी जिन लंबे समय से यहाँ पर जिन नामों का की तलाश कर रहे थे कि आखिर संभावित प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, उस पर अमित शाह ने भी लगभग मुहर लगा दी है और रीवा से जो नाम तय हुआ है लगभग बिल्कुल ठीक हो चुका है और राजेश शुक्ल रीवा के प्रत्याशी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सूत्र बिल्कुल जो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उसके बाद रामलाल जी ने भी मीटिंग ली, जिला अध्यक्षों को मीटिंग ली और जो सूत्रों ने बताया जो क्षण के बाद आ रही थी उसमें करंट विधायकों को टिकट की शायद ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। बिल्कुल, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि लगभग रीवा में रीवा के प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं और रीवा जिले की तीन विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं जिस पर अमित शाह ने आज मोहर लगा दी है। ऐसे कौन प्रत्याशी हैं अनिल जी, आपको क्या लगता है कि ये प्रत्याशी कमल का फूल खिला सकेंगे? जी, अभी तक जो स्थितियां चल रही थी उसमें कई बार यह भी हुआ था कि देवतालाब से गिरीश गौतम का नाम कट सकता है, सर्वे रिपोर्ट उनके अगेंस्ट में जा रही थी,
लेकिन आज जो स्थितियां बनी है उसमें देवतालाब से गिरीश गौतम लगभग फाइनल से हो चुके हैं, केवल सिंबल आने का इंतजार है। आप जिस मुद्दे पर जा रहे हैं मैं भी वही बताने वाला था आपको, जो काफी दिनों से उहापोह की स्थिति में थी एक सीट सिरमौर की, तो वहां पर अभी विधायक हैं दिव्यराज सिंह। दिव्यराज सिंह की भी नेगेटिविटी वाली रिपोर्ट गई है जो सूत्र बताए हैं। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बताएंगे रीवा जिले की जिन विधानसभा सीटों के नाम, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा लगभग तय मानी जा रही है वो कौन है। आप देखते रहिए रीवा दर्शन। आओ हम प्रयास करें शत प्रतिशत मतदान हमें कर आना है। रीवा का अभिमान हमें बढ़ाना है। शत प्रतिशत मतदान हमें कर आना है। रीवा का अभिमान हमें बढ़ाना है। आओ हम प्रयास करें आओ हम प्रयास करें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। अपनी वोट की ताकत हमें दिखाना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। अपनी वोट की ताकत हमें दिखाना है। आओ हम प्रयास करें लेकर हाथ में हाथ करें, सब मिल साथ साथ करें। आओ हम प्रयास करें ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जो दर्शक देर से जुड़े हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि रीवा जिले में तीन प्रत्याशियों के नाम बीजेपी ने लगभग तय कर दिए हैं। वो तीन प्रत्याशी जो है रीवा, देवतालाब और सिरमौर है। रीवा से राजेंद्र शुक्ल जो कि वर्तमान में मंत्री हैं और एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम पर जाने जाते हैं, उनके नाम पर अमित शाह ने पुनः मोहर लगा दी है और वो आगामी विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी होंगे। इसी तरह से देवतालाब विधानसभा से वर्तमान विधायक गिरीश गौतम का भी नाम तय हो गया है। साथ ही सिरमौर विधानसभा से वर्तमान विधायक दिव्यराज सिंह का नाम तय कर दिया है। अमित शाह ने इन तीनों नामों पर मोहर लगा दी है। बिल्कुल विजय जी, मैं आपको बता दूं दिव्यराज सिंह की सक्रियता, आज जिस तरीके से वो सक्रिय थे अमित शाह के कार्यक्रम में, वो निश्चित रूप से काफी ऊर्जा से भरे हुए थे। मंत्री जी रीवा विधायक तो वैसे भी उनका लगभग पिछले बार 61,000 वोट उनको मिले थे, तो उनका तो 51% था, वो तो उनको टिकट कंफर्म ही था, लेकिन दिव्यराज सिंह के बारे में काफी संशय था। देखिए जावेद जी, मैं आपको बता दूं भाजपा ने यहाँ पर जो तुरुप का इक्का होता है वो फेंक दिया है। अभी कुछ दिनों पहले पुष्पराज सिंह जी ने राहुल गांधी के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ली, तब तक ये माना जा रहा था दिव्यराज सिंह टिकट कट सकती है, लेकिन भाजपा ने जैसे ही कांग्रेस ने उनको महाराजा पुष्पराज सिंह को अपने खेमे में लिया, तो भाजपा पूरी तरह से हरी झंडी दे दी है आज। जी बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि दिव्यराज सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सिरमौर विधायक हैं, उनके पिता
महाराज पुष्पराज सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जो दर्शक नहीं जानते थे शायद इस बात को या उन्होंने नहीं देखा हमारा एपिसोड, उनको मैं बताना चाहता हूं कि महाराजा पुष्पराज सिंह जो कभी बीजेपी कभी सपा और कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, वर्तमान में फिर वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और कांग्रेस के यहाँ पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। क्या लगता है कि जो रीवा महत्वपूर्ण सीट जो रीवा मानी जा रही थी, रीवा से राजेंद्र शुक्ल जी का नाम पुनः आना कितना रोचक होगा? देखिए, राजेंद्र शुक्ल का रीवा से नाम आना बिल्कुल चौंकाने वाला भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं माना जा सकता। चौंकाने वाला नाम यह हो सकता है कि सिरमौर से देवराज सिंह को टिकट मिलना, वो ही अभी अनिल जी ने कारण बताया। चौंकाने वाली बात यहाँ रीवा के लिए अगर संदर्भ बात किया तो यह होती कि राजेंद्र शुक्ल का टिकट कट रहा। राजेंद्र शुक्ल को पिछले बार 51% वोट मिले थे, वो विंद के सबसे ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका टिकट तो लगभग लगभग तय था। और अब उनका आज के बाद से अमित शाह के बाद से दौरे से लेके वो कार्यकर्ताओं से जिस तरह से मिल रहे थे, पूरे कार्यकर्ताओं के बीच में वो टहलते रहे और वो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का ऊर्जा भरने का काम कर रहे थे, ये आज अमित शाह के दौरे पर ही। मैं आपको बता दूं, राजेंद्र शुक्ल जी टिकट के प्रति पहले से आसान्वित थे क्योंकि वो जो भाजपा की चुनाव अभियान समिति है उसके मेंबर भी है, तो टिकट तो उनकी कटती नहीं थी। और पिछले एक महीने से उनका चुनाव प्रचार अभियान किसी न किसी माध्यम से जारी हो चुका है और वो हर मोहल्ले में हर सेक्टर में लोगों की लगातार बैठकें भी ले रहे हैं। अगर आपको मतलब मैं बता दूं कि उनका एक जो चक्र होता है चुनावी पूरा हो गया उनका जी, बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने पिछले वर्षों में काम किया है, मैं तो ये कहूंगा कि जो पिछले वर्षों से वो काम लगातार कर रहे हैं, व्हाइट टाइगर, दुनिया की जो व्हाइट टाइगर सफारी है उसका श्रेय उनको जाता है, उनकी पहल पर ही व्हाइट टाइगर सफारी रीवा में बन सकी। साथ ही कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम जो आप देख पा रहे हैं ये भी उनकी ही पहल थी कि आज यहाँ पर एक भव्य ऑडिटोरियम है। साथ ही गुड़ में जो सोलर प्लांट लगा हुआ है वो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लाने में राजेंद्र शुक्ल का अहम योगदान। इसमें जोड़ना चाहूंगा और विजय जी कि जो गांवों की जो किसान है, किसान ही अपने अन्नदाता है, तो गांव-गांव जो नहरों में जाल बिछाने का काम राजेंद्र शुक्ल ने किया है उसके लिए वाकई में उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। किसान जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा था, आज लगभग 48-50% गाँवों में बाणसागर का पानी पहुंचने लगा है। इसके लिए तो वाकई में उन्होंने अच्छा काम किया और लोग उसको सराह भी रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आसान्वित है कि रीवा ही नहीं पूरे विंध्य में कमल खिलेगा और 30 सीटों पर उनकी फतह होगी और वो कांग्रेस को यहां से उखाड़ कर फेंकेंगे, अमित शाह के दौरे के बाद ये माना जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में जान फूंक कर गए हैं। बिल्कुल, देखिए मेरी अमित शाह की मीटिंग के जस्ट तुरंत बाद रीवा दर्शन की तरफ से मैंने वहां पर एक ओपिनियन लिया था, काफी लोगों से मैंने बात की और बातचीत के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यही उभर के आई कि कार्यकर्ताओं में उत्साह काफी ज्यादा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि कार्यकर्ताओं का, जैसे अनिल जी ने वो शब्द का जो इस्तेमाल किया, इनने मालिक बोला, उस शब्द को लगता है कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर समावेश कर लिया है। और निश्चित रूप से वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में कैसा मंत्र फूंका। ब्रेक के बाद दर्शकों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम बता रहे हैं यहाँ पर किस तरह से अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में जान फूंकी। आज अमित शाह रीवा और शहडोल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी को एक मंत्र दिया, जीत का मंत्र दिया कि किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में वो बूथ लेवल पर काम करें और बूथ लेवल पर कमल खिलाएं। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और आज अमित शाह जी ने जिस तरह से अपने पार्टी के जो ग्राम केंद्र और नगर केंद्र के पालक संयोजक थे उनसे जिस तरह का संबोधन किया, निश्चित तौर पर आज उनके मन में एक बहुत बड़ी भावना भर गई कि हमें किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी को अपने बूथ से आगे बढ़ाना है। तो निश्चित तौर पर जो ग्राम का, गांव का नगर संयोजक, गांव का संयोजक आया यहां पर, तो वो आज यहां से जाएगा तो निश्चित तौर पर ये संकल्प लेके जाएगा कि हमारे बूथ से भाजपा निश्चित तौर पर विजयी हो। और अगर इसी तरह से हर बूथ पे ही हुआ तो निश्चित तौर से भाजपा की जीत सुनिश्चित होगी। बिल्कुल, देखिए अनिल जी आपने बिल्कुल मार्के की बात कही। देखिए क्या होता है, अगर कार्यकर्ता उत्साह में है,
अपना उसने बूथ संभाल लिया। जब सारे बूथ में कोई पार्टी लीड करेगी तो निश्चित रूप से सरकार उनकी बनना तय है। तो ये कार्यकर्ताओं में जोश की जो बात है वो निश्चित रूप से काफी अहम है, और उनका भाषण, उनके तौर तरीके, उनकी शैली, बिल्कुल यहाँ पर राहुल गांधी की जिस तरह से यहाँ पर ताबड़तोड़ सभाएं हुई थी, आम सभाएं, और उनका दौरा हुआ था, उस पर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन राहुल बाबा का नाम लेते हुए ये जिक्र जरूर कर दिया कि राहुल बाबा को स्वप्न आता है कि वो मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, उनको गलतफहमी है, वो दूरबीन से भी अपनी पार्टी को ढूंढ नहीं पाएंगे। जी जी, देखिए हम तो इस मुद्दे पर सिर्फ इतना कहेंगे कि अभी बहुत समय बाकी है और भारतीय जनता पार्टी को अभी से ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी, कैंडिडेट भी जो कैंडिडेट काफी छानबीन कर वो कैंडिडेट देंगे, और एक एक बूथ पर उनकी भी नजर रहेगी, उन्होंने भी बूथ पर अभी से ही प्रयास करना शुरू कर दिया है जी। तो निश्चित तौर पे ये कहना अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमित शाह जी के दौरे से कार्यकर्ता काफी उत्साहित में है और आज वो संकल्पित भाव से गए हैं कि हमारे बूथ से हमारा कैंडिडेट कोई भी रहेगा, उनको तो केवल कमल निशान से मतलब रहता है, तो हमारे क्षेत्र से, हमारे बूथ से हमारा कैंडिडेट निश्चित रूप से काफी वोटों से लीड करे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, कार्यकर्ता को लगता है कि हम ही सब कुछ है, वहां पर इस तरीके का एक उन्होंने सिस्टम बना रखा है, उसमें कार्यकर्ताओं को काफी वजन दिया जाता है, कार्यकर्ताओं का काफी वेटेज होता है, और देखिए कितनी छोटी सी प्लानिंग होने की बूथ की प्लानिंग, इसका मतलब अगर हम बूथ पे जीत रहे हैं तो हम सब कुछ पूरा चुनाव ही जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस सभा में अमित शाह ने एक और बात कही जो ये कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात थी, उन्होंने कहा कि हम नेताओं को लड़ाते नहीं, बल्कि कार्यकर्ता हमारा जी जान से लड़ता है और उसके खून पसीने के चलते ही यहाँ पर नेता जीत कर आते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, वो हर हालत में अपने कार्यकर्ताओं को बना के रखते हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करते हैं, वो कार्यकर्ताओं को कोई बहुत प्रलोभन नहीं देते, लेकिन उनका जो कार्यकर्ता होता है वो पार्टी के लिए, वो अपने जो उनका सिंबल होता है उसके प्रति निष्ठावान होता है, वो ये नहीं देखता कि हमारी पार्टी से कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। दोनों हमारे साथ जुड़े। नहीं, एक चीज में जरूर बोलूंगा, शुक्रिया करने के पहले आज अमित शाह जी ने एक चीज बोली, इस बार सरकार बनाने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार कांग्रेस को मूल से खत्म करने के लिए चुनाव लड़ेंगे, जो कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अहम बात थी। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता ये संकल्पित होकर जाएंगे, अगर इसका 80% भी उन्होंने पालन कर लिया बूथ वालों ने, तो परिणाम क्या होगा? विजय जी, अब आप इस पर जरूर एक टिप्पणी करें, इसके बाद खत्म करें। बिल्कुल, जिस तरह से अमित शाह ने यहाँ पर मंत्र दिया, जीत का मंत्र दिया, उन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया की इतनी सारी बातें बताई कि मोदी जी जहाँ जाते हैं जयकारे लगते हैं, और वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लगता है, कार्यकर्ताओं के लिए लगता है, इससे सभी जो वहां पर कार्यकर्ता मौजूद थे वो बिल्कुल उत्साहित हो उठे, और उन्होंने उसी वक्त से यह निर्णय लिया कि वो पार्टी के लिए जी जान लगा देंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में कमल का फूल खिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज कार्यकर्ताओं को एक नारा दिया, 200 के पार अब की, 200 के पार अब की शिवराज सरकार, चौथी बार फिर शिवराज सरकार, के साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया। ये पब्लिक है, सब जानती है। आज एपिसोड में बस इतना ही, नए एपिसोड के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।